So the topic is hypertension. What is hypertension? एक बहुत बहुत common condition है hypertension. ये एक condition है, ये कोई disease नहीं है, ये कोई disorder नहीं है. Basically एक condition है. एक condition होती क्या है? Condition होती है कि ये जो है अभी छोटी है, future में जाकर ये बड़ी disease को जो है invitation दे रही है. सो बेसिकली ना तो ये बीमारी डिजीज़ है और ना एक डिसऑर्डर है. सो हाइपरटेंशन सबसे पहली चीज़ होती है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं. हाइपरटेंशन का सबसे पहला कॉज है नमक का लेना. इसका सबसे पहला कॉज है सॉल्ट इनटेक. नंबर टू इसका जो है ओवरवेट. सबसे ज़्यादा नमक खाने से जो है बीपी बढ़ जाता है. उसके बाद ओवरवेट पीपल में जो है बीपी जो है बढ़ा हुआ होता है यूजली. उसके बाद है हम अगर नो कोई भी हमें हमें फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है. बेसिकली फैमिली हिस्ट्री इज़ अ कॉज, बीपी बढ़ने का एक कॉज है फैमिली हिस्ट्री. उसके बाद है अगर पेशेंट जो है तंबाकू ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है. बाकी अदर फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर तो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है. तो बेसिकली ज़्यादा नमक खाना, ओवरवेट होना, फैमिली हिस्ट्री, टबैको, अल्कोहल लेना एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स, उन सब से जो है ये है बीपी के कॉजेज. इसके बाद हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहला सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर वो हमें नज़र आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. पेशेंट जो है वो घड़ी घड़ी आपको बताता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है. वो सांस लेने में दिक्कत उसको जो है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसे कोई बड़ी डिजीज़ है, उसे एक बहुत छोटी सी कंडीशन है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं. नंबर टू जो है पेशेंट कहता है उसको ब्लर विजन है, ब्लर उसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है. यूजुअली हम उसको सीधा आँख वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि इसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी इसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. वो हाइपरटेंशन एक छोटी सी कंडीशन का एक बड़ा सा सिम्टम है. नंबर थ्री पेशेंट कहता है कि उसका जो यूरिन है वो डिक्रीज हो गया है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है. इसके बाद जो है पेशेंट समटाइम बताता है कि उसको ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है. देन वो यूजुअली ऐसे सिम्टम्स वो बताता रहता है कि उसको हेडेक है एंड हेडेक है, डिजीनेस है, फेंटिंग है. ये सब जो है साइनस सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के. इसके बाद तो हो गई, पहले हो गए हमारे पास कॉजेज हो गए, फिर हमारे पास साइनस सिम्टम्स हो गए. नाउ वी हैव कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस आर दोज जो कि अगर हम कॉजेज और साइनस सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज़ जो है बड़ी हो जाती है, जो कि बड़ी होकर कॉम्प्लिकेशन में बदल जाती है एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लिकेशन. सो हाइपरटेंशन का सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक. हार्ट अटैक. दूसरा कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर. सेम बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तीसरा कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड चौथा कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेमोरी लॉस. मेमोरी लॉस यूजुअली हाइपरटेंशन का मरीज होता है, उसका सबसे पहले उसको हो जाता है डायरेक्ट, उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. साइन एंड सिम्टम्स वो ध्यान नहीं देता तो सीधा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसको मेमोरी लॉस हो जाती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉज कॉम्प्लिकेशन इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो कि बहुत बाद में पता चलता है. सो बेसिकली दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. सो हाइपरटेंशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज. सो दिस कैन बी क्योर.